भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष बनने जा रहे पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने बुधवार को कहा कि वे राष्ट्रीय चयनकर्ता समिति के सदस्यों से पूर्व कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी के भविष्य के बारे में उनकी राय जानेंगे और इसके बाद से ही इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। गांगुली ने पत्रकारों से कहा, मैं जब 24 अक्टूबर को चयनकर्ताओं से मिलूंगा तो इस बारे में उनसे उनकी राय पूछूंगा। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि चयनकर्ता इस बारे में क्या विचार रखते हैं और इसके बाद ही अपनी राय रखूंगा। गांगुली मुंबई में नामांकन भरने के बाद मंगलवार को कोलकाता लौटे थे। अध्यक्ष पद के लिए गांगुली एकमात्र उम्मीदवार है और 23 अक्टूबर को BCCI की आम सभा में उनके नए अध्यक्ष बनने की घोषणा कर दी जाएगी। गांगुली ने साथ ही कहा कि वे इस बारे में धोनी से बात करेंगे और पूछेंगे कि वे क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमें ये भी देखना होगा कि धोनी क्या चाहते हैं। मैं उनसे भी बात करूंगा और पूछूंगा कि वे क्या चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। गांगुली ने कहा, क्योंकि मैं इस मामले में कहीं भी नहीं था तो ये मामला मेरे लिए अभी तक स्पष्ट नहीं था, लेकिन अब मैं इस स्थिति में हूँ, इस बारे में विचार कर सकता हूँ और इसके बाद ही इस पर निर्णय लूँगा। इस 38 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा कि समस्याओं का जाल बुनने की बजाय उनका समाधान ढूंढना उनके लिए कारगर साबित रहा है। उन्होंने कहा कि इन भावनाओं की तुलना में अभी क्या करना चाहिए वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। अगली क्या चीज है जिसकी मैं योजना बना सकता हूँ, वे अगला व्यक्ति कौन है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूँ। एक बार जब मैं ये सोचने लगता हूँ तो फिर मैं अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से काबू कर लेता हूँ। तो आपको ये जानकारी हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे क्रिकेट केसरी। अगर आप ये वीडियो हमारी फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आप ये वीडियो हमारी यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।